हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो ये मंडे की क्लिक है और मंडे की मॉर्निंग की क्लिक है दोस्तों। तो मैं पूजा वूजा कर लूँगी और मैं आज आप सभी से है ना अपनी पूजा मंदिर की डीप क्लीनिंग करूँगी, कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ इस छोटे से जगह में, तो मैं आप सभी से शेयर करूँगी दोस्तों। तो बस मेरी ना सुबह वाली पूजा हो गई थी और मंडे था तो मैं मंदिर से भी आ गई थी। तो बस यहाँ पर ना थोड़ी देर पूजा करके कोई चीज़ हटानी भी नहीं चाहिए जल्दी। तो मैंने कुछ देर बाद जब तो मंदिर तंदिर से आई तो मेरी यहाँ पे ना मैं सब ये सब पूजा जो इतने फूल चढ़ाई थी वो सब मैंने हटा दिया है और मैं आज साफ़ करूँगी। तो काफ़ी दिनों से ना मेरी साफ़ नहीं हुई है, डीप क्लीनिंग मैंने नहीं किया है। ऐसे तो पोछती हूँ लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है जहाँ जहाँ मेरे पूजा के सामान रहते हैं। तो ये सब तो नहा धो के ही होता है ये सब। तो मैंने ना सारे सभी भगवान मतलब देव भी मेरे फोटो वाले भगवान हैं वो सभी को मैंने ना इस टोकरी में रखा है, तो इसको मैंने उतार दिया है सभी देवी देवताओं को। और मैं अच्छे से ऊपर में क्लीनिंग करूँगी। तब मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है और इसमें ना मैंने विम से डुबा के रख दिया था। तो ये ना मेरी न्यू है, मैंने न्यू खूब पैकेट वाला विम लाई हूँ। और मेरा पूजा मंदिर थोड़ी सी ऊपर में है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो इसलिए ना मैंने थोड़े से कुर्सी की हेल्प ली हूँ। और यहाँ पर मैंने ना जो वो कपड़े जो भी मैंने यहाँ पर बिछाया था ना रंगीन पेपर, वो मेरी ना पानी भीग भीग के थोड़ी सी मतलब फटने लगी है तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए ना मैं सब हटा दे रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं सब निकाल दे रही हूँ और यहाँ निकाल के अच्छे से साफ कर दूँगी। तो थोड़े से झूलन मतलब मकड़े वकड़े हो ही जाते हैं कोने कोने में, तो ये रेगुलरली हम लोग हटा के तो साफ नहीं करते हैं, तो कभी कभी ना साफ करनी चाहिए। और पूजा रूम क्लीनिंग रहता है ना मतलब पूजा घर जाए मतलब जहाँ मंदिर हो वो साफ़ सुथरा रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं इस छोटे से मतलब पूजा मंदिर को कैसे सजा के ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ और कैसे पूजा के सामानों को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ वो आप सभी से शेयर करूँगी। और मेरी आज पूजा की जितने भी सामान हैं मैं उनकी डीप क्लीनिंग करूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैं मुझे तो आसन बिछाना है क्योंकि मैंने वो रंगीन पेपर जो हटा दिए थे और जो आसन थे वो सब मैंने निकाल दिया है क्योंकि मैं धोऊंगी तो अभी जल्दी सूखेगी नहीं। तो ये मेरा आसन है और मैं इसे रहता ही है एक्स्ट्रा में, तो मैंने आसन वहाँ पे चढ़ा दिया था पोछ के। और यहाँ पे सभी भगवानों को मैं निकाल मतलब रखी थी, तो जो जो इनकी चुन्नी जो गंदी हुई है ना वो सब मैं धोऊंगी, नहीं गंदी नहीं हुई है तो उनको मैं नहीं धोऊंगी, जल्दी से मैं नहीं धोती हूँ। जैसे कोई त्यौहार होता है ना जैसे लक्ष्मी पूजा शिवरात्रि तो तभी मैं उनके कपड़ों को चेंज कर देती हूँ, तो इस तरह गंदा नहीं होता। और ये सिंहासन है ना दोस्तों मैंने जो पोटली वाले पैसा रखती हूँ ना उसी से मैंने इसको खरीदा था और मेरे पास सिंहासन नहीं थे लड्डू गोपाल का, तो ये सिंहासन देखिए मैंने उसी पूजा वाले पैसे से ही खरीद के रखा था। और मैंने ना सभी सभी फोटो को मूर्तियों को साफ कर दिए थे अच्छे कपड़े से। और ये मेरी ना तारापीठ का माँ काली का चरण है जो मेरे भैया गए थे वो लेके आए थे, और ये वृंदावन के हैं राधा कृष्ण। और ये मेरी ना लिलोरी मंदिर जहाँ पे मैं आप सभी से दिखाई थी वो लिलोरी मंदिर का ही है ना, ये काली माँ का मतलब दुर्गा जी का ही है जो काफ़ी अच्छी लगती है, और धान का ही ना उनकी सजावट की हुई है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, सभी भगवानों को मैंने पूछ लिए हैं। और ये माता रानी की ना सिर्फ चेहरा ही है जो काफ़ी प्रिय लगता है, और वहाँ पे जाना उस मंदिर में तो ये मूर्तियाँ ना काफ़ी बिकती हैं काली जी की दुर्गा जी की, तो मुझे ना ये वाली अच्छी लगी तो मैंने यहाँ पे ले आई हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। धान का ही ऑर्गेनाइज किया हुआ है ना उनकी मुकुट तो काफ़ी अच्छी लगती है। और माता रानी के चरण में यहाँ पर रख देती हूँ। तो मेरे ऊपर वाले मैंने ना साफ़ सुथरा कर दिए थे, और मैं नीचे में जितने में मेरे पूजा वाले जित क्या क्या डब्बे हैं ना और मैं इस डब्बे में क्या क्या रखती हूँ वो भी मैं आप सभी से शेयर करूँगी और कैसे रखती हूँ कैसे ऑर्गेनाइज करके छोटी सी जगह में रखती हूँ। तो बस ये मेरी टोकरी है ना, इस पूजा वाली ही टोकरी है जिसमें मेरी दिया रहती है मट्टी वाले जो ख़त्म हो चुके थे। और यहाँ पर ये फूलदानी है जो मम्मी ना कई तीर्थ से लाई थी, तो मैं ना इसको मंदिर नहीं ले जाती, इसमें मेरी सिर्फ पूजा का सामान ही रहता है। और तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी और मैं इसी में सारे डब्बों को रखती हूँ स्टोर करके ऑर्गेनाइज करके। तो ये रही मेरी लौंग इलायची कपूर जो डब्बा है ना वो सब मैं सारे डब्बों को अच्छे से पोछ लूँगी। कभी कभी पूजा करते हैं ना तो हड़बड़ी में ना थोड़े बहुत हाथों से ही मतलब घी के हाथ से या छूने से ना थोड़े से डब्बों में लग ही जाती है, तो बस मैंने यहाँ पर ना जो पानी रखा था ना उस पानी की हेल्प से थोड़ी थोड़ी पोछ ले रही हूँ और अच्छे कपड़े से भी एक बार पोछ लूँगी और रख दूँगी। तो बस थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है हमें ये सब करने के लिए क्योंकि काफ़ी इसमें समय लगता है ना, तो जब बच्चे लोग नहीं रहते हैं ना तो ये सब काम हो जाता है। और
मैं देखिए मेरे इस छोटे से कोने में ना मैं सारे पूजा के सामान रखती हूँ, क्योंकि यही ये इस रूम में ना मेरा राशन का सामान रहता है और बच्चों की किताब कॉपी बगल में ही रहते हैं। तो ये छोटा सा रूम है तो मैं कहाँ पे रखती हूँ वो भी दिखाती हूँ। काफ़ी गंदी हो गई, तो इस छोटे से कोने में देखिए मैं एक टूल रखी हूँ, उसी टूल के में एक मेरी चौकी है जो पूजा वाली चौकी, उसी के ऊपर मैं रखती हूँ। तो देखिए कितने झूलन हो गए हैं, मकड़े हो गए हैं। तो ये सब होती है ना, कभी कभी सफाई होती है। तो बस सुबह का टाइम पूजा करो ना तो हड़बड़ हड़बड़ से ये सब साफ़ नहीं होती है रेगुलरली। तो इसमें मेरे गंगा जल है, यहाँ पे एक सरसों ऑयल रखती हूँ कभी कभी संध्या दिखाने के लिए, और ये फिर जो बांस है ना वो सब है। तो मैंने ना ये सब साफ़ कर दूँगी। तो देखिए कितने गंदे हो गए हैं। तो यही सब होता है, तो यही सब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और दोस्तों मैंने पूजा करके मंदिर से आई थी ना, तो उसके बाद मैंने ना कपड़े चेंज कर दिए थे, और कपड़े चेंज करके मैंने चाय रोटी खा ली थी, और क्योंकि समय लगता ना इसलिए, तो मैंने चाय रोटी खा के फिर पैर हाथ धो के कपड़े चेंज करके मैं पूजा स्थान को साफ़ कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने उन अंदर में पोछ तो लिया है, और जितने भी बर्तन हैं उनको मैं साइड कर दूँगी, जो यूज़ नहीं होती है ना उनको साइड में ही रखते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारे डब्बों को अच्छे से पोछ लिया था। ये रही मेरी गंगा जल वाली पानी, तो ये सब ना रोज़ यूज़ आती है, तो इसमें मैंने डब्बे में डाल के रखी हूँ, क्योंकि इतना बड़ा मैं नहीं रखे इसमें नहीं रखा जाएगा। तो ये मेरी घी की डब्बी है, गंगा जल का पानी है, लौंग इलायची का डब्बा है जो मेरी रेगुलरी काम आती है, ये है कलेवा जो मेरी रेगुलरी मंदिर जाने में मुझे काम आता है। तो ये सब मेरे रेगुलरी के काम है जो मेरे आसानी से यहाँ पर मैं रख देती हूँ ना तो मिल जाता है। तो अरवा चावल है, और ये है अबीर गुलाल, तो ये सब रेगुलरी पूजा के स्थान में मेरे काम की आती है, और ये प्राय सभी के घरों के मंदिर में रहते हैं। तो ये है मधु है, और गंगा जल का रोज़ ही काम होता है पूजा में। तो बस यही सब रहते हैं, और अष्टचंदन है, ये है मम्मी ना ये बाबा धाम के यहाँ से वृंदावन की मट्टी है, तो ये सब मैं रखती हूँ कभी भी काम आता है। और ये है कुमकुम, ये केसर चंदन, तो यही सब मेरे पूजा स्थान के मेन चीज़ें जो रोज रेगुलरली मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो इजीली तरीके से ये सब डब्बों में रहता है ना तो आराम से मिल आता है। तो बस यहाँ पे ये है सिंदूर की डिब्बी, तो ये सिंदूर है माता रानियों को लगाने के लिए, ये सिंदूर इसी में रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना सारे चीज़ों को अच्छे से रख दिया है, और यहाँ पे ना मेरी यह दुर्गा चालीसा का है, हनुमान चालीसा का की किताब है, तो इसको भी मैं यहीं पे रख देती हूँ, और सभी चीज़ों को मैं इसी में रख दूँगी और ढक देती हूँ। तो बस यही सब है रहता है जो रेगुलरली काम आती है। और ये है मेरी छोटी सी ना काटने वाली जो मम्मी दी थी, तो ये इसमें मैं सिर्फ फल काटती हूँ पूजा वाले, तो जो किचन में होते हैं ना उसी से मैं नहीं कट करती हूँ, तो ये अलग पूजा वाली जगह में ही रहती है। एक चाकू है और एक ये, तो बस ये सब मैं रख देती हूँ ढक के। और इसको ना बस इस डलिया में ना मेरी दिया रहती है, और ये है ये एक बर्तन है तो पूजा वाला ये बर्तन समझिए, तो जब कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है तो इसको मैं इसी में डाल के रख दूँगी, और ये ना उसी की जगह में ही मैं एडजस्ट करके रखूँगी। तो बस आज मेरा पूरा दिन ना मतलब इसी में, मतलब मैं पूजा स्थान को जब साफ़ करने घुसी थी ना तो काफ़ी लेट हो गया था, कम से कम 2 घंटे लग गए थे, तो इसलिए ना थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो गई है दोस्तों। तो बस यहाँ पे जो दिए हैं ना कुछ दिए हैं, और ये चम्मच मेरी पूजा वाली जो भी है ये मैं यहीं पर रखती हूँ, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ती है। तो बस ये सब बर्तन सब ना मैं यहीं पर रख देती हूँ, और यहाँ पे मैं इसी टोकरी में डाल दी हूँ। और ये है मेरे दोने, तो ये भी मेरे पूजा का ही है जो कभी कभी यूज़ आती है, तो मैंने पशुपति व्रत किया था ना तब लाई थी, तो वैसे रख दी हूँ। और ये है धान, तो धान ना मेरी ना पॉली बैग में थी, तो बस मैं इसको डब्बे में स्टोर करके रख दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ना कभी कभी पूजा में धान ऐसी चीज़ें है ना काम आती है, तो इसमें मैंने कपूर डाल दिया है, क्योंकि जो होते हैं ना घून वाले कीड़े तो धान को खा जाते खोखले कर देते, इसलिए मैंने इसमें कपूर डाल दी हूँ जो स्टोर करके काफ़ी दिनों तक रह जाएगी। तो ये गाँव से लाई थी ये धान, और ये है पूजा वाले बर्तन जो रेगुलरली यूज़ आती हैं, तो मैंने सारे पूजा के बर्तन धो दिए थे, इसको मैं साइड कर दूँगी। और यहाँ पे लड्डू गोपाल का ड्रेस है, स्वेटर है, तो ये रेगुलर लड्डू गोपाल के ड्रेस इसी टोकरी में मैं रखती हूँ जो रोज़ रेगुलरली काम आता है।
और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को रख दिया है। और इधर मेरे ये तुलसी पत्ते तो मैंने ना आज तोड़ लिए थे, क्योंकि मंडे है, मंडे को तोड़ ली हूँ, और कभी मंगलवार एकादशी पड़ जाती है ना संडे को, तो उस दिन नहीं तोड़ा जाता, इसको स्टोर करके रख देती हूँ, जब इसकी पानी निकल आती है ना तो स्टोर करके रख देती हूँ। और ये है मेरा पान पत्ता जो रेगुलरली काम आती है, तो इसको मैं भीगा कपड़ा में भी रखी हूँ। और ये मेरा संदेश, तो इसको संदेश ही समझिए, जब मैं मैके से आती हूँ ना तो भैया लोग कुछ भी दे देते हैं, तो ये मैं पूजा स्थान में रख देती हूँ, संदेश बोला मैं प्रसाद में लगाती हूँ। तो बस यही सब है, मैंने सारे चीज़ों को स्टोर करके रख दिया है, मतलब अच्छे से रख दिया है। और यहाँ पे भी जो भी कपड़े थे इसको मैं भिगो के मैं अच्छा से इसको धो दूँगी, साफ़ कर दूँगी और भी बस फैला दूँगी, ताकि ये रात भर सूख जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है, तो बस यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो चुकी है दोस्तों। अब रही घर की क्लीनिंग, तो मैंने थोड़ी सी सर्फ वाली पानी से ना हल्की सी मैं इसमें हल्की सी सर्फ डाल के डिटर्जेंट डाल के घर को अलग से, मतलब पूजा वाला रूम का कपड़ा अलग रखती हूँ, जो नहा के मैं आती हूँ ना तो इसी कपड़े में पहुँचती हूँ पूजा रूम को, तो फटाफट से इस कपड़े से मैं पोछ लूँगी घर को, क्योंकि घर भी काफ़ी थोड़े बहुत गंदे हो गए थे, ऐसे रेगुलरली पोछती हूँ, लेकिन आज डिटर्जेंट से मैंने अच्छे से सफाई कर दी है। तो ये सब होते हैं ना, जब काम सारे ख़त्म हो जाते हैं ना तब ये काम अच्छा से इत्मीनान से होता है, और काम करने में भी अच्छा लगता है। तो बस बच्चे लोग स्कूल चले गए थे, मैंने करूँगी अब इसके बाद लंच की तैयारी, तो फटाफट से मेरी यहाँ पे सफाई हो गई है। आज मैंने आप सभी से ये शेयर किया है कैसे मैं ऑर्गेनाइज करके अपने पूजा के सामानों को रखती हूँ, भगवान की कैसे मैंने सफाई की है, मैंने पूजा स्थान को, पूजा मंदिर को। तो बस यहाँ पे जितने भी है ना मेरे कचड़े थे, तो वो सब मैं पॉली बैग में डाल दी हूँ और इसको रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए इतने मेरे कचड़े निकले हैं, और इसको मैं साइड करके रख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने साफ कर दिया है, तो कितना अच्छा क्लीनिंग लग रही है। और यहाँ पे खिड़की के पास मैंने सारे बर्तन रख दिए हैं, और इधर मेरी जो भी कपड़े सब मैंने धोए थे ना इसी खिड़की के पास फैला दी हूँ, खिड़की बंद कर दूँगी, क्योंकि उधर का थोड़े से ना करेले वरेले ऐसे पेड़ हैं तो मैंने नहीं निकाला है, तो कुछ भी बरसात का समय है ना तो ऐसे खुला नहीं रखूँगी, तो मैंने खिड़की को बंद कर दिया है। और कपड़ों को मैं फैला दूँगी, जो भी कपड़े हैं रात भर सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पर मेरी सफाई हो गई है, फिर मेरी